राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारी पीड़ा देख पाना मेरे लिए असंभव है राधे, और इसी कारण से आज मैं विदा स्वीकार करता हूँ। और फिर आप लोग देखेंगे तभी दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या कहना, राधा रानी चली गई और तुमने उन्हें जाने क्यों दिया और ऐसे कैसे जा सकती हैं वो। और कहते हैं कान्हा ऐसे देख क्या रहे हो, जाओ उनके पीछे और रोके उन्हें। और तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं उसे रोक नहीं सकता दाऊ। और तभी दाऊ कहते हैं अगर तुमने रोका होता तो वो अवश्य रुकती कान्हा। और कहते हैं कैसे संभव है कि कृष्ण अपनी राधा को द्वारिका से जाने दे रहा है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं मैंने आपसे पहले भी कहा है दाऊ, वो अब देवी राधा है, देवी है प्रेम की, ज्ञानी है, स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, वो अपने लिए निर्णय ले सकती हैं। और तभी दाऊ कहते हैं तो क्या लाभ हुआ राधा की स्मृतियां वापस लौटने का, क्या लाभ हुआ इस अनंत विरह का समाप्त होने का, इस श्राप के अंत होने का, जो बेला मिलन की थी वो अंततः विरह की बेला बन गई। और तभी कृष्ण जी कहते हैं प्रेम में कोई लाभ नहीं होता, प्रेम में कभी कोई हानि नहीं होती, बस प्रेम होता है। राधा की स्मृतियों का लौटना समय अनुरूप था, उसका यहाँ से जाना उसका निर्णय था, राधा का जाने का उसका इस निर्णय का सम्मान करना वही प्रेम है और मैं वही कर रहा हूँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं उचित है तो मैं भी राधा रानी का सम्मान अवश्य करूँगा कान्हा, कुछ भी हो जाए मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगा, मैं उन्हें रोक कर रहूंगा। और तभी कृष्ण जी कहते हैं और मैं आपको भी नहीं रोकूंगा, प्रयास कर लीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ राधा से कहते हैं कहाँ जा रही हैं आप, स्मरण है आप ही ने मुझसे कहा था कि समस्त संबंध बदल सकते हैं किंतु हमारा संबंध कभी नहीं बदलेगा, मैं तो सदैव आपका दाऊ ही रहूंगा ना, फिर अपने दाऊ की एक विनती तो स्वीकार सकती है ना, मत जाइए द्वारिका को छोड़कर, रुक जाइए। और तभी राधा कहती हैं दाऊ क्षमा करना किंतु ये मार्ग मुझे द्वारिका नहीं ले जाता। और तभी दाऊ कहते हैं राधा रानी आपका लक्ष्य कृष्ण है और ये मार्ग आपको कृष्ण से दूर ले जा रहा है, विपरीत ले जा रहा है। और तभी राधा कहती हैं कृष्ण अपना कर्म कर रहे हैं और मुझे अपना कर्म करने से मत रोकिए दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं क्यों ना रोकूं राधा रानी, और कहते हैं ये श्राप केवल राधा रानी और कृष्ण ने नहीं भोगा है, मैंने भी भोगा है, जिसने 100 वर्ष तक राधा रानी और कृष्ण के एक होने की, उनके मिलन की प्रतीक्षा की है और आज इतने वर्षों के पश्चात, 100 वर्षों के पश्चात जब वो मिलन की बेला मेरे समक्ष है तो इतना बड़ा विरह मैं कैसे देख लूं मैं। और तभी राधा कहती हैं उचित कह रहे हैं आप दाऊ, ये श्राप मात्र मैंने और कृष्ण ने ही नहीं आपने भी उतना ही सहा है जितना हमने सहा है, आप तो सदैव हमारे प्रेम के साक्षी रहे हैं, युगो युगो से एक आप ही तो हैं जिसने निस्वार्थ भाव से इस यात्रा में हमारा साथ दिया। और कहती हैं मैं समझती हूँ कि हमारा विरह आपके लिए असहनीय है किंतु मैं विवश हूँ दाऊ, क्यों नहीं समझते आप, मैं कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती कृष्ण का अंत दाऊ, मत रोकिए दाऊ, आपको क्या लगता है मैं कृष्ण को पीड़ा में देख पाऊंगी। और तभी दाऊ कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता राधा रानी, किंतु यदि ये इतना ही आवश्यक है, यदि आप द्वारका लौट कर नहीं आ सकती तो मैं भी द्वारका नहीं जाऊंगा वापस, मैं आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा में मैं समस्त जीवन समर्पित कर दूंगा। और तभी राधा कहती हैं नहीं दाऊ, आपका सानिध्य तो मेरा सौभाग्य है किंतु भक्त का स्थान तो अपने प्रभु के समक्ष है, जैसे शेषनाग रूप में आप विष्णु के साथ हैं, लक्ष्मण रूप में आप श्री राम के साथ हैं और बलराम रूप में आप कृष्ण के साथ हैं, ये क्रम कैसे बदल सकता है दाऊ, आप कृष्ण के साथ रहिए मैं निश्चिंत रहूंगी। और तभी राधा हाथ जोड़ के कहती है मुझे मत रोकिए दाऊ। और तभी दाऊ कहते हैं कैसे लौट जाऊं राधा रानी, कि मेरी आत्मा ही स्वीकार नहीं कर रही है, मन ही नहीं मान रहा, मैं कैसे लौट जाऊं,
और फिर राधा कहती हैं, दाऊ अगर आप तनिक भी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरा मार्ग मत रोकिए दाऊ। और तभी दाऊ कहते हैं, क्यों कह दिया आपने राधा रानी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण की माता देवकी कहती हैं कि ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरा कृष्ण अत्यंत दुखी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, रुक्मणी कहती हैं, अब ज्ञात हो रहा है कि मैं प्रातः से इतनी विचलित क्यों हूँ, श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण की माता देवकी कहती हैं कि संपूर्ण जग को प्रेम से कर्म योग की बात समझाने वाला आज स्वयं इतना दुखी क्यों है। और कहती हैं, मुझे कभी तुम्हें समझाना नहीं पड़ा कृष्ण, किंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा प्रेम कहीं खो गया है, इसलिए आज मैं आ रही हूँ तुम्हें समझाने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, रुक जाओ कान्हा, मैं मानता हूँ कि हम राधा को तो नहीं रोक पाए, किंतु अपने इस बांसुरी के विरह सुर को तो रोक दो। तुम्हें इस अवस्था में देखकर, तुम्हारी बांसुरी के विरह सुर को सुनकर समस्त द्वारका वासी दुखी होते जा रहे हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ मैं नहीं चाहता कि कोई और भी दुखी हो, ये बस मेरी स्वयं की पीड़ा है और कुछ नहीं। और तभी दाऊ कहते हैं, तो ये संभव कैसे है कान्हा, जब तुमने सभी को अपना माना है, और जब सबने तुम्हें अपना माना है तो तुम्हारी पीड़ा सबकी पीड़ा हुई ना कान्हा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण के समक्ष सभी आ जाते हैं। और तभी दाऊ कहते हैं कि देखो कान्हा, हर कोई दुखी है। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, श्री कृष्ण राधा के जाने की सूचना ज्ञात हुई, ये अत्यंत पीड़ा का विषय है। और तभी रेवती जी कहती हैं, कृष्ण अगर आप किसी प्रकार से भी राधा को पुनः वापस ला सकते हैं तो अत्यंत उपकार होगा। और तभी जाम्बती कहती हैं, द्वारकाधीश आपकी इस पीड़ा का किसी प्रकार तो अंत होगा, आप हमें बताइए कि हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं बस एकांत चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर कृष्ण जी चले जाते हैं वहाँ से और सभी लोग उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी दाऊ कहते हैं, रुक जाइए, जाने दीजिए कान्हा को, इस समय उसका एकांत में रहना आवश्यक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण की माता देवकी कहती है, पुत्र। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, माता आप। और तभी देवकी माता कहती है, आना ही पड़ा, इतने वर्षों में प्रथम बार ये अनुभव हुआ है कि मेरा कृष्ण अत्यंत दुखी है, उसे मेरी आवश्यकता है। और तभी दाऊ कहते हैं, हाँ कान्हा, माता देवकी को मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।